ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सब का स्वागत है खबरों के सिलसिले को तोड़ते अगे तो हम गल करते हैं मिठी जही ठंडी सवेरे नाल नवे साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और साडे वालों भी PDC न्यूज़ के समूह दर्शकों नू नवे साल दिया बहुत बहुत मुबारक। सो लोग नवे साल का आगाज वक्त वक्त ढंग कर रहे हैं। नवे साल की शुरुआत हो चुकी है तो नवे साल के पहले दिन श्रद्धालु वड्डी गिणती विच गुरद्वारा साहिबान में नतमस्तक हो रहे हैं। कुछ तस्वीर तो उन्हें साझा कर रहे हैं, कुछ रात दी तस्वीर ने, कुछ तड़कसार की तस्वीर तो कुछ लाइव तस्वीर भी तो जरूर साझा करा जो श्री दरबार साहब तखत श्री दमदमा साहब तो साझिया सामने आई ने। नवे साल के पहले दिन संगत का हड़ दिखाई दिता। हालांकि लोग कुछ जड़े ने पहाड़ों वाल का रुख करते हुए नजर आए तो बहुते लोग गुरुधामा के नतमस्तक हो के गुरु महाराज की हाजरी के अपने नवे शुरुआत नवे साल की शुरुआत करना वाजिब समझते हुए नजर आए। सो श्री हरिमंदर साहब का अलौकिक नज़ारा तो साझा कर रहे हैं जिथे वड्डी गिणती के लोग नजर आए। लोगों का कहना इस दौरान यह रहा कि 3:30-4 बजे तो उन्होंने वालों कतारा के लग्या गया तो 9 बजे जाके 10 बजे जाके उन्होंने मौका मिले हरिमंदर साहब के अंदर मत्था टेकन का। श्री दमदमा साहब तो तस्वीर तो बंगला साहब के भी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिले। हालांकि बंगला साहब तो तुम्हें यह भी दस दिए कि नगर कीर्तन भी सजाया गया है तो नगर कीर्तन वक् वक् थावान तो हों एक मुकाम तक पहुँचेगा तो उत्थे दमदमा साहब सवेर तो ही तड़कसार तो ही संगत का हजूम नज़र आया जो महाराज का परमात्मा का अरदास करते हुए नज़र आए तो सरबत के भले की कामना करद हो उम्मीद करते हुए नज़र आए ने कि आने वाला साल पंजाबियों के लिए वित्तीय तौर पर भी बेहद ज़्यादा खास तो सही रहे। श्री गुरु रामदास जी की पवित्र धरती से असी इतने नवे साल के लिए आगाज करने के लिए आए हैं तो असी सरबत के भरे की अरदास करते हैं कि नवा साल सब लिए खुशियां भरया चढ़े। हाँ जी, यही अरदास कर रहे हैं कि सानू पंजाब एक नवा पंजाब सानू मिले, जो भी इतनी घटनावां वापर दिया उनू ठल पवे। बहुत ही वधिया रौनकां लगियां हैगियां हर जगह ते संगत दा इन्ना ही हुम हुमा आए, बड़ी खुशी नाल जयकारे ला रहे हैं ते सब दे विच खुशियां भरिया माहौल हैगा। नवा साल चढ़िया वै साडे पंजाब वास्ते बहुत वधिया आवे अते जिद्दां साडे पंजाब ने पिछले दिनां च बड़ा सताव भेज गया वै असी अरदास कीती है कि गुरु महाराज जी दे चरणां च कि नवा साल सारिआं वास्ते खुशियां भरिया लैके आवे। उधर नवे साल के पहले दिन की शुरुआत श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने श्री दरबार साहब मत्था टेके की। इस मौके दोहां आगुआ ने गुरु साहब के चरणों के सरबत के भले की अरदास की रब जी का शुकराना किया। परिवारक मैंबरों के नाल अपने बच्चों समेत ही श्रोमणी अकाली दल के कुछ होर आगुआ समेत श्री हरिमंदर साहब के नतमस्तक होने के लिए श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल पहुंचे तो नाल ही इस दौरान उम्मीद करते हुए नज़र आए कि आने वाला समा तो आने वाला साल पंजाबियों के लिए बेहद ज़्यादा लाहेवंद रहेगा। पंजाबियों को होर भी ज़्यादा मौके रोज़गार दे मिलेंगे तो कई उम्मीदा इस दौरान श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने जाहिर कीतिया ते सरबत दे भले की अरदास की। सो देखने को मिलिया कि हरसिमरत कौर बादल भी इस दौरान नतमस्तक हुए। 2023 शुरू हो गया, मैं परमात्मा के चरणों अरदास बेनती करने वास्ते आए कि 2023 सारे पंजाबियों वास्ते सारे देशवासियों वास्ते बहुत ही खुशी का साल होए। जिहड़ा 2022 सी अपने पंजाबियों नूं बहुत औखा समा 2022 देखना पिया, बहुत इत्थे लोकां विच दहशत का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल, गैंगस्टर कंट्रोल कर रहे हैं, ड्रग्स का माहौल। सो मैं अज परमात्मा के चरण आई अरदास बेनती करना जो जिहड़ा 22 का साल होया इहदा साल सानू कितें देखना ना पए ते परमात्मा जिहड़ी सरकार बनी है इहनां नूं उहदे सिर ते हथ रख के इन्ना ही बेनती करदे कि पंजाबियों नूं अमन शांति की लोड़ है। पंजाबी भाईचारक सांझ चाहते हैं, जे अमन शांति दे भाईचारक सांझ रहेगी पंजाब च पंजाब तरक्की करेगा। धन धन गुरु रामदास पातशाह जी ने चरणों से अरदास करदी हाँ कि आने वाला 2023 का साल सारिया के घर से खुशियां के खेड़े लैके आए, साढ़े पंथ लिए साढ़े पंजाब के पंजाबियों लिए गुरु साहब रहमतों बख्शिशों का नाल मीह साडे सूबे ते वरसान साढ़े सारे
ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2023 ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਆਪਦਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। 2023 ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ।